इस वीडियो में हम व्यू टैब के बारे में जानेंगे कि व्यू टैब में कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो व्यू टैब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप आएगा, डॉक्यूमेंट व्यूज। इसमें हमारे पास ये अलग अलग पांच प्रकार के व्यूज हैं। ये जैसे जिसमें सबसे पहला है ये रीड मोड व्यू, उसके बाद है प्रिंट लेआउट व्यू, उसके बाद है वेब लेआउट व्यू, उसके बाद है आउटलाइन व्यू, और उसके बाद है ड्राफ्ट व्यू। व्यूज ग्रुप में सबसे पहला व्यूज रीड मोड व्यू है। रीड मोड व्यूज ऑटोमेटिकली हमारे डॉक्यूमेंट में फिट हो जाता है। रीड मोड व्यू तब यूज होता है जब हम डॉक्यूमेंट को केवल पढ़ना ही चाहते हैं और ना तो उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं या ना ही उसमें कुछ डालना चाहते हैं, तो हम रीड मोड व्यू का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रीड मोड व्यू यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पढ़ने के लिए आ जाएगा। ये देखो जैसे बुक होती है वैसे ही यहाँ पे बन के आ जाएगा। ये दो यहाँ पे जैसे बुक में खुलता है, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह हम आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ये अगर हम यहाँ से साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसका साइज़ और भी बढ़ा सकते हैं, या कम करना है तो यहाँ से हम इसका साइज़ कम कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखना है पेज, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये अगला आ जाएगा। यहाँ पे पीछे पिछले पेज पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनको पिछले पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमें ये रीड मोड व्यू यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला है हमारा ये, यहाँ पे हमने क्लिक किया है नीचे, इसके बाद हमारा ये प्रिंट लेआउट व्यू आ जाएगा। प्रिंट लेआउट व्यू डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। ये प्रिंट लेआउट व्यू में हम अपने डॉक्यूमेंट को केवल प्रिंट लेआउट व्यू में देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसे दिखाई देगा देखने के लिए हम प्रिंट लेआउट व्यू को लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो है हमारा प्रिंट लेआउट व्यू आ जाएगा। तो प्रिंट लेआउट व्यू में अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर हेडिंग, हेडर और फुटर यहाँ पे लगाना है तो हम इस प्रिंट लेआउट व्यू में जाके हेडर और फुटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हेडर फुटर लगाना है तो यहाँ पे हेडर, जैसे हेडर पे कुछ भी लिखा है, यहाँ पे ज्ञान टैग, ये बायस ज्ञान टैग ये लिखा यहाँ, और फुटर पे यहाँ पे नेम लिखा, जैसे बाई एस यशपाल सिंह, यहाँ पे नेम आ गया। ये तो ये हेडर और फुटर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला है हमारे पास, ये हमारा प्रिंट लेआउट हो गया। इसके बाद अगला हमारा वेब लेआउट। तो वेब लेआउट में वीडियो में साइड स्पेस नहीं दिखाई देता, जैसे यहाँ पे क्लिक किया वेब लेआउट, ये हमारा वेब लेआउट आ जाएगा। वेब लेआउट व्यू में साइड स्पेस दिखाई नहीं देता है और जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक वेब पेज की तरह दिखाई देता है। हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट होता है वो एक ही पेज में दिखाई देने लगता है। जैसे ये देखो ये हमारा वेब पेज की तरह दिखाई देने लग रहा है यहाँ पे कि ये एक वेब पेज बना हुआ है। ये तो ये जितना भी हम जाएंगे ये एक ही पेज में ये दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम ये वेब लेआउट पेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगला व्यू है आउटलाइन व्यू, ये हमारा आउटलाइन व्यू है। आउटलाइन व्यू में सारा डॉक्यूमेंट आउटलाइन की तरह दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आउटलाइन की तरह दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट पैराग्राफ लिस्ट की तरह दिखाई देता है। ये जैसे हमारे पास ये आउटलाइन जितना भी है ये आउटलाइन की तरह दिखाई देगा। ये तो आउटलाइन की तरह दिखाई देने पे यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मंथ्स नेम, ये मंथ्स नेम यहाँ पे सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद ये आउटलाइन व्यू जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है,
बॉडी टेक्स्ट पे यहाँ पे लेवल वन, इसके लिए मंथ्स नेम के लिए यहाँ पे लेवल वन यहाँ पे भर दिया ये। इसके बाद ये जो इसके मंथ्स नेम है यहाँ पे हमने इसको लेवल टू पे रखा, ये देखो लेवल टू पे रखा, ये आगे चला गया ये। इसके बाद ये अगला है ये हमारे पास डेज नेम, डेज नेम ये भी हमने लेवल वन पे रखा, ये लेवल वन आ गया ये। और ये जो इसके नीचे है डेज है इसको हमने लेवल थ्री पे रखा, ये देखो लेवल थ्री, तो ये लेवल टू है ये लेवल थ्री है। इसके आगे अगर लेवल फोर होता तो यहाँ पे आना था, लेवल फाइव यहाँ पे आना था। तो इस प्रकार ये लेवल जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये आगे चलते जाएंगे ऐसे से। तो ये हम इसको लेवल वन या लेवल टू या लेवल थ्री में यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा वेडनेसडे है ये ऊपर चला जाए, ये जैसे ऊपर ले जाना है ये, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये मूव अप, ये देखो ऊपर जा रहा है ये। अगर नीचे लाना है तो ये मूव डाउन, ये नीचे जा रहा है ये। तो इस प्रकार हम इसको ऊपर नीचे जो भी ले जाना है उसको ले जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कोलैप्स करना चाहते हैं ये जितने भी हमारे डेज नेम है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पे कोलैप्स हो गई है। अगर हमने ये डेज नेम एक्सपेंड करने है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जितने भी हैं डेज नेम ये एक्सपेंड हो जाएंगे। इसके बाद ये हो गया, ये इसके बाद करने के बाद ये शो लेवल, शो लेवल में ऑल लेवल्स, ये सारे लेवल यहाँ पे आ गए हैं। ये ऑल लेवल पे क्लिक है, अगर हम चाहते हैं कि लेवल वन, लेवल वन मीन्स यहाँ पे हमें डेज नेम और मंथ्स नेम ये हमने लेवल वन पे रखे थे यही दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेवल वन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखो लेवल वन पे क्लिक करने के बाद हमें मंथ्स नेम और डेज नेम यही दिखाई देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास लेवल टू दिखाई दे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये लेवल टू, ये देखो ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये हमने लिखा था ये लेवल टू पे लिखा था, तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया लेवल टू, तो ये लेवल टू यहाँ पे आ गई। अब डेज नेम इसके लिए यहाँ पे इसके जो लेवल है वो थ्री ये हमने लिए थे, तो यहाँ पे लेवल थ्री यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो लेवल थ्री यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम इनको देख सकते हैं, अगर सभी चाहिए तो ऑल लेवल्स ये सभी यहाँ पे आ जाएंगे। आगे शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये शो हो रही है ये इसको बंद करेंगे ये बंद हो जाएगी, तो शो करनी है यहाँ पे शो होगी। शो फर्स्ट लाइन ओनली, अगर पहली लाइन चेक करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट लाइन ही आएगी, जैसे ये देखो फर्स्ट लाइन नहीं है तो ये शो होगी यहाँ पे। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ये लेबल बढ़ा या कम कर सकते हैं ये। इसके बाद अगर आउटलाइन यहाँ पे व्यू बंद करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे क्लोज आउटलाइन व्यू, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये क्लोज हो जाएगा। अगला फिफ्थ व्यू है हमारे पास ड्राफ्ट व्यू, तो ड्राफ्ट व्यू में डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट की तरह दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया ये एक ड्राफ्ट की तरह दिखाई देगा ये। तो डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आसानी से एडिट कर सकते हैं, ड्राफ्ट व्यू में हम हेडर और फुटर दिखाई नहीं देता है। अगर हम चाहते हैं कि ये हेडर और फुटर यहाँ पे हमारे पास सामने दिखाई दे तो यहाँ पे हेडर फुटर नहीं आएगा। ड्राफ्ट व्यू में हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, और ये देखो हमारे पास यहाँ पे हेडर और फुटर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा ड्राफ्ट व्यू में। अगर हम इस यहाँ पे प्रिंट लेआउट व्यू में जाएंगे तो ये हमारा हेडर फुटर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये हेडर है और ये फुटर है, लेकिन जब हम ड्राफ्ट व्यू में जाएंगे ये हमें दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार हम ड्राफ्ट व्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने रीड मोड व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू के बारे में जाना।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप एमएस वर्ल्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।